नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, फोटोशॉप के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे स्केच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने फोटोशॉप पर क्लिक कर दिया दोस्तों, और यहाँ मैं डबल क्लिक किया और मैं एक फ़ोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे फिल्टर मेनू के ऑप्शन में स्केच। स्केच से क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी भी आप पेंसिल से फोटो आप बनाते हैं, किसी पेंसिल से या चौक से या कोयले से, तो कैसा दिखेगा। जैसे मैं फ़ोटो पहले से बना हुआ है, उसको देखने के लिए जैसे मेरे पास फ़ोटो ही पहले से बना हुआ है, अगर ये फ़ोटो अगर हम चौक से या पेंसिल से या कोयले से बनाएंगे तो कैसा दिखेगा। चलिए यहाँ पर मैं दो कलर लिया हूँ, एक वाइट एक ब्लैक, ठीक है। तो मैं फिल्टर में जाता हूँ और यहाँ पर स्केच पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दो कलर लिए थे, दो रंग कैसे यहाँ पर इफेक्ट आपको पड़ा है। यहाँ से इसका डिटेल्स घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से इसको स्मूथनेस घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बॉटम मतलब कहता है लाइट, नीचे से लाइट हम अभी इसको दे रहे हैं। देखिए इसको नीचे से मतलब लाइट दे रहे हैं, बॉटम लेफ्ट से लाइट दे रहे हैं, टॉप लेफ्ट लाइट दे रहे हैं, किधर से लाइट दे रहे हैं उधर से लाइट दीजिए, और यहाँ ओके कीजिएगा तो आपको ऐसा इफेक्ट आपको बनकर रेडी हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, समझ गए होंगे। फिर हम चलते हैं फिल्टर में, फिर चलते हैं स्केच में, और फिर सीसी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका डिटेल्स इतना रख सकते हैं जितना रखना चाहते हैं, टॉप में बॉटम में जीरो से लाइट देना चाहते हैं लाइट दीजिए, फिर इसको ओके कीजिए तो देखिए इस तरह से आपको तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्टर के बाद आते हैं हम स्केच के माने के बाद, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, चौक एंड चारकोल। ये क्या है, अगर आप चौक से अगर बनाते हैं जैसे, तो मैंने फोटो बना हुआ है उसको मैं चौक, तो इसका विड्थ इसका ज़्यादा होता है, हाइट इसका ज़्यादा होता है, तो इसे कैसा दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ से आप एरिया इसका ले सकते हैं, चौक एरिया ले सकते हैं, बाकी ओके कीजिए तो आप कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर वाइट यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई और कलर यहाँ पर कोई और कलर ले लेता हूँ। यानी कि हम लोग चौक एंड चारकोल से हमको बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। देखिए इस पर क्लिक करके ओके करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो कैसा दिखेगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको वाइट ही रखते हैं। तो आप जो भी कलर लीजिएगा वो कलर आपको चेंज हो जाएगा, उससे कलर में आपको इफेक्टों को बनेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, देखिए ये क्या लिखा हुआ, चारकोल, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लीजिए, यहाँ पे भी आप बढ़ा के चेक कर लीजिए, ऐसा आपको दिखेगा। उसके बाद फिल्टर में जाते हैं, स्केच में जाते हैं, चारकोल हो गया। उसके बाद क्रोम में आते हैं, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ से इसका डिटेल्स स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं, जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जितना आपको मन है ओके, इस तरह से आपको दिखेगा। वाटर टाइप के दिखेगा। इसको स्केच में आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, इस तरह से बैकग्राउंड लेवल फोरग्राउंड लेवल कितना रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कितना रखना चाहते हैं, यहाँ से कर इसे सेट कीजिए 100% कम वैसे ज़्यादा, इसको डिटेल्स कितना है क्लिक कीजिएगा तब कैसा दिखेगा। तो इफेक्ट आप देख सकते हैं, और इसका स्केच का बनाते हैं। फिर आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर बनाते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कैसा दिखेगा। हम सबको रंग हमेशा बदलते जाएंगे, वाइट से ब्लैक आपकी ले लेते हैं, चलिए ठीक है ब्लैक ले लिए। फिर हम लोग आते हैं स्केच में आते हैं, और आते हैं यहाँ पर, चलिए इसको देख लिए थे कि नहीं देख लिए थे, स्केच में आते हैं, इसको देख लिए, और इसको भी देख लेते हैं, ओके करते हैं। चलिए देखिए ऐसा हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर जाते हैं फिल्टर में जाते हैं, फिर स्केच में जाते हैं, और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डॉटेड वाला है, ठीक है। तो आप डॉटेड कितना लेना चाहते हैं,
कम करना चाहते हैं इस तरह से ओके कीजिएगा तो डॉट वाला ये हो जाएगा। ठीक है, इसको तो वापस करते हैं। इसमें और कुछ था स्केच में, इसको आते हैं डॉट में। अब यहाँ डॉट है तो हमें इसको देखिएगा, ऐसा आप गोल सर्किल में ले सकते हैं या आप लाइन में ले सकते हैं। लाइन में आपको ले लेकर देखा है, उसके बाद हम ऐसा सर्किल में अगर लेंगे हम लोग, ऐसा हम लोग सर्किल में लाइन था, सर्किल में लेके भी दिखाते हैं। चलिए इस तरह तो समझ पा रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्केच में हो गया इस तरह से नोट पेपर, इस तरह से पेपर नोट पेपर में आप ले सकते हैं। चलिए इसको ओके करते हैं, देखिए इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, स्केच में आते हैं, नोट पेपर फोटो कॉपी में कैसा आएगा। ये फोटो कॉपी में दो कलर हम लोग रखे हैं, ठीक है ना, इसका डिटेल्स कितना लेना है कहते हैं। फोटो कॉपी जब आप इस फोटो को फोटो कॉपी कराइएगा ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक में तो कैसा देखेगा आपको ऐसा देखेगा दोस्तों। ऐसा आप चेंज कीजिए, अगर आपके पास दो कलर का फोटो कॉपी करवाते हैं, एक तो ब्लू एक इंक रखते हैं उससे और एक रखते हैं येलो, कुछ येलो टाइप का, तब फोटो कॉपी में कैसा आएगा उसको हम लोग चेक करते हैं। उसको चेक कर स्केच में फोटो कॉपी में जाते हैं तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, स्केच में आते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए प्लास्टर, प्लास्टर में आप देख लीजिए जैसा आपको दिखेगा। अगर हमको दो तीन कलर का प्लास्टर करते हैं इस तरह से आपको दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्केच में आते हैं, प्लास्टर हो गया। इसमें आपको यहाँ सब का बैकग्राउंड आपको चेंजिंग करते रहिए, मैं सिर्फ आपको एक एक क्लिक करके देख रहा हूँ कैसा आपको दिखेगा। और स्केच में आते हैं स्टाम्प, स्टाम्प में कैसा दिखेगा जिस तरह से आप मोहरों में मारते हैं, चलिए इसमें ऐसा दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं, सबका हम लोग कलर चेंज चेंज करके देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और अच्छा समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक आदि ऑप्शन है, बाकी सब ने कंप्लीट कर लिया, वाटर पेपर। चलिए इस तरह से तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।